everyone and assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are doing well. So welcome to another vlog. तो गाइज अभी जो है ना मैं सो के उठी हूँ और पता नहीं क्या हो गया कि मेरे जो शुरू वाले रमज़ान थे ना वो बहुत अच्छे गुजर रहे थे. मतलब मैं काफ़ी एक्टिव थी लेकिन मे बी कि मैं बिल्कुल भी रमज़ानों में नहीं सो पा रही हूँ. मेरी बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी उसकी वजह से जो है ना मैं थोड़ी सी ढीली होने वाली हूँ. होने नहीं वाली हूँ मतलब मैं ढीली हो गई हूँ. आज मुझे कोई इतनी सुस्ती हो रही है, इतनी सुस्ती हो रही है और उसके साथ मुझे जो नींद आ रही है मैं अपनों को बता नहीं सकती. मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे नींद आ रही है. कुछ भी मुझे बनाने का मूड नहीं हो रहा है, कुछ भी काम करने का मेरा मूड नहीं हो रहा. मतलब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जाऊं बेड पे, जा करके मैं सो जाऊं. अफ्तारी के टाइम पे मुझे कोई आ जाए, उठाए और कहे उठ जाइए, अफ्तारी बनी हुई है और चलिए अफ्तारी करते हैं, दैट्स इट. सिर्फ आज जो है ना मेरा ये मूड है. मैं शायद काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि शुरू के जो रमज़ान मेरे चल रहे थे ना वो इतने प्यारे गुजर रहे थे ना, बहुत ही मज़ा आ रहा था. और माशाल्लाह से मैं काफ़ी एक्टिव थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी मैं. तो ये सीन था कि कुछ ज़्यादा ही एक्टिव के चक्कर में ना अब थोड़ी सी सुस्ती आ गई है. खैर अभी जो है मैं उठी हूँ तो अभी आज मैं इफ्तारी बनाने का बिल्कुल शदीद किस्म वाला मूड नहीं, तो शायद मैं ना बनाऊँ आज. बिल्कुल मेरा दिल भी नहीं चाह रहा तो जो रखा हुआ है उसमें गुजारा करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ बनाएंगे भी. तो अभी जो है मैं उठूँगी, थोड़ा सा अपना काम वाम देखूँगी, थोड़ा सा जो है किचन को देखूँगी, थोड़ी सी बहुत चीज़ें बना लूँगी और उसके बाद मैं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है. तो गाइस आज जो है इफ्तारी में जो है हमारे पास चीज़ें ये हैं कि आज मेरा बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताया मूड नहीं था इफ्तारी बनाने का. और ये फ्रूट चाट है वो मैंने आज बनाई थी और मैंने आज इसको फर्स्ट टाइम नई तरीके की एक फ्रूट चाट बनाई है. तो लेट्स सी कि ये कैसी बनती है क्योंकि मेरा रोज़ा है तो मुझे पता नहीं है, खा के पता चलेगा. ये है स्ट्रॉबेरी शेक और ये जो है पिज्ज़ा मैंने ऑर्डर करा है तो ये भी आज है इफ्तारी में. अब मैं वेट कर रही हूँ कि बस जल्दी से रोज़ा खुल जाए तो फिर सबसे पहले मैं ये खाऊंगी क्योंकि आज जो है ये न्यू है हमारे लिए तो इसको मुझे ट्राई करना है कि ये कैसी बनी होगी. तो गाइस यहाँ पर जो है इफ्तारी मैंने मुका ली है और अब जो है मेरी बॉडी में आ गई है जान. अब जो है मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि उस वक्त जो है ना मैं काफ़ी डाउन फील कर रही थी क्योंकि जब से रोज़े स्टार्ट हुए ना मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही है. तो जो मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है ना और रातों में जागना होता है, फिर सुबह भी जाहिर सी बात है कि बंदा उठ जाता है क्योंकि इफ्तारी का टाइम ऐसा होता है कि इफ्तारी करने से टाइम से पहले जाए सारे काम वाम जो है वो ख़त्म आपको करने पड़ते हैं. तो मैं जो हूँ ना काफ़ी वीक और काफ़ी डल सा जो है ना फील कर रही थी लेकिन अब जो है एकदम फिटम फाट बेस्टम बेस्ट फील कर रही हूँ. मस्त बिल्कुल ज़बरदस्त फील हो रहा है मुझे क्योंकि अफ्तारी भी कर लिए, बॉडी में भी जान शान आ गई है और आज मैंने दबा के रेस्ट भी कर लिया है. और सेकंड चीज़ ये कि अभी जो है मैं वॉक शॉक भी कर आ गई तो वॉक से भी जो है ना एक मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है, एक मूड चेंज हो जाता है और मज़ा आ जाता है. तो अभी जो है ना मैंने सारा कुछ कर लिया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ज़बरदस्त सा फील कर रही हूँ. तो अभी जो है क्योंकि मैं जो हूँ ना इफ्तारी करके डिनर नहीं करती हूँ, डिनर मैं रोज़ों में तो स्किप ही कर देती हूँ. रमज़ान में मतलब मेरा डिनर नहीं होता, बहुत ऐसा होता है कि रेयरली हो जाए अगर कोई दावत है तो इस टाइप का, मतलब फिर मैं कर लेती हूँ. अदरवाइज जैसे मैं अपने घर में डिनर स्किप कर लेती हूँ. ये होता है कि मैं इफ्तारी करती हूँ और इफ्तारी के बाद डायरेक्टली जो है फिर मैं सहरी करती हूँ. बीच में होता है कि जैसे फ्रूट चाट खा लिया, इस टाइप का कुछ खा लिया इस टाइप का. तो फ्रूट चाट से मुझे याद आया कि यार आज मेरी फ्रूट चाट बनी थी ना, आय हाय 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 मज़ा आ गया. अभी मैं जो है ना वापस आके फ्रूट चाट दोबारा से थोड़ी सी खाऊंगी क्योंकि यार बहुत आला बनी, बहुत आला बनी. रोज़ की वही वाली फ्रूट चाट खा के जो है ना दिल भर गया था लेकिन आज की जो फ्रूट चाट थी ना एकदम जबरदस्त वाली फ्रूट चाट थी. खैर अभी जो है ना मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि बाहर से लेना है थोड़ा बहुत सामान और मुझे खाने हैं गोलगप्पे क्योंकि मुझे जो है ना रात में अक्सर क्रेविंग हो जाती है. कभी मुझे गोलगप्पे खाने होते हैं या तो मुझे लेट नाइट चॉकलेट्स खानी होती हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, या तो मुझे शेक्स पीने होते हैं या फिर मुझे जो है ना आइसक्रीम चाहिए होती है. तो मेरी जो है ना ये लेट नाइट क्रेविंग जो है ना ये होती रहती है.
अभी जो है मेरा, क्योंकि मैं डिनर तो करती नहीं हूँ, स्किप करती हूँ, तो अभी जो है मेरा इतना मूड बन रहा है गोल गप्पे खाने का, तो अभी हम जा रहे हैं, मैं जाऊंगी गोल गप्पे खाऊंगी और उसके बाद थोड़ा बहुत घर का सामान लेना है वो सामान लेंगे और फिर जो है देखते हैं आगे क्या प्लान है। सो टाइम नहीं वेस्ट करना, लेट्स तो यहाँ पर जो है मेरे गोल गप्पे आ गए थे और बस गोल गप्पे खाते हुए आप लोग मुझे देखें, मैं ना राइट देख रही हूँ ना लेफ्ट देख रही हूँ, बस गोल गप्पों पे जो है ना मैं टूटी हुई हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो गाइस हम लोग जो है यहाँ पर आए हैं सियालकोट बेकरी, यहाँ से हमें चाहिए थे अंडे और मुझे चाहिए था जली वाला बन क्योंकि आज मुझे नाश्ते में नाश्ते में नहीं आज मुझे सहरी में खाना था तो वो लेना है और बाकी की समोसे पट्टियाँ सब्जियाँ ये सारा चीज़ें चाहिए। तुम्हें क्या बोलना है? और अगर अंडे नहीं मिले तो हम इस अंडे को खा लेंगे। अंडे और यहाँ पर जो है यहाँ से आप ड्राइव कर रहे हैं और हम प्लान को वेट करेंगे, जल्दी से सामान लेकर आ जाए। गाइस गए हम लोग वापस आ चुके हैं और अभी अभी जो है मुझे मेरी बहन की कॉल आई और वो कहने लगी कि वो मेरे घर आ रही है क्योंकि आप लोगों को पता है माशाल्लाह से मैं फाला बन गई हूँ, तो वो जो है वही मिठाइयाँ और अकीके की जो चीज़ें होती हैं तो वो देने के लिए अभी हमारे घर पर आ रही थी। मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि हमारी छोटी सी जो डॉल अभी आई हैं वो फर्स्ट टाइम आज मेरे घर आ रही हैं, तो अभी जो है वो नीचे मेरा वेट करिए तो हम लोग चलते हैं उसको फिर ऊपर लेकर आते हैं। सो लेट्स गो। तो गाइस हमारी जो डॉल है वो हमारे साथ आ चुकी हैं और वो मजे से सो रही हैं और ये उनकी अम्मा है और आज हमारे घर पर उनकी मिठाई चिटाई देने के लिए आई है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी, लेकिन अभी जो है वो छोटी सी है तो अभी हम लोग इसलिए इसको थोड़ा सा हाइट रख रहे हैं। मेरा आज का वेट करते 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 जो है ना बेचारी सो गई, कब से मेरी बच्ची इंतजार कर रही थी मम्मा बेबी आए बेबी आए बेबी आए, लेकिन जब बेबी आया तो वो बेचारी सो गई। आज हम बहनों की पार्टी थी और उसमें ये फालतू में आए हैं। आज क्यों आए आप, किसने बुलाया आपको? इसने यहाँ फालतू में आए, बुलाया गया। किसने बुलाया? मुझे बुलाया है मेरी बेटी। बेटियाँ इनकी बैठी हुई सो रही हैं जिनको खुद को नहीं पता कि उनके मामू आए हुए हैं, उन्होंने इनको बुलाया है, झूठ देख रहे हैं। अभी हमारे साथ नाश्ता फोड़ेंगे, नाश्ता नहीं सहरी फोड़ेंगे और उसके बाद जो है यहीं रुकेंगे चले जाओगे। नाश्ते में क्या खाओगे? नाश्ता नाश्ता नहीं करते सहरी यार, सहरी का कुछ भी दे दो जल्दी से। हम लोग खाते हैं सीख कबाब वाला ऑमलेट और उसमें हम डालेंगे सॉसेजेस, उसके साथ हम बनाएंगे मज़ेदार परौंठे और उसके साथ क्या स्ट्रॉबेरी शेक कैसा फिर? जल्दी दे दो फिर, मस्त हो गया कि नहीं? चलो बेटा आ जाओ किचन में, ज़रा मदद भी करो, सिर्फ फोड़ने के लिए नहीं आए आप यहाँ पर, उठे मदद करें, चले उठे शाबाश गेट अप। तो गाइस अभी जो है हमने सहरी वगैरह सब कर ली है, मेरे बहन भाई जो थे वो चले गए हैं और आज मुझे सहरी करने में इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया बिल्कुल जैसे शादी से पहले हम लोग तीनों मिलके तफरियाँ करते थे और सहरी करते थे अफ्तारी करते थे, आज बिल्कुल वैसे ही लग रहा था कि क्योंकि हमने काफ़ी टाइम बाद नहीं बल्कि काफ़ी सालों बाद आज बैठ के हम तीनों बहन भाइयों ने एक साथ सहरी करी है, तो इतना मज़ा आया इतना मज़ा आया। मैं उसको शूट नहीं कर सकी क्योंकि हम लोगों ने इतनी तफरियाँ की, इतनी बातें की और दूसरा ये था कि टाइम बिल्कुल भी नहीं था, टाइम बहुत कम था, अजान का टाइम होने वाला था, तो इस वजह से मैं जो हूँ रिकॉर्ड नहीं कर सकी। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। अभी जो है बस मैं नमाज़ पढ़ूंगी और नमाज़ पढ़ के मैं भी सोने चली जाऊंगी क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पूरी रात के हम लोग जागे हुए हैं और अभी जो है बस नमाज़ पढ़ के सो जाऊंगी। तो गाइज ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, अगर आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आए तो मुझे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब चले जाएं और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआओं में अपनी बहुत ज़्यादा याद रखें, मैं भी आप सबको दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखती हूँ। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।